जय हिंद भाइयों, जय हरियाणा। दिस साइड संदीप सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हम हरिद्वार से पानीपत आ गए थे हरियाणा रोडवेज बस में, जो कि हरिद्वार से 10:15 बजे चलती है पानीपत के लिए, और पानीपत डिपो की बस थी भाई। वैसे मुझे जाना तो हरिद्वार से हिसार था, लेकिन जो मेरी बस थी हरिद्वार हिसार वाली, वो आधे घंटे पहले ही निकल गई थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से पहले पानीपत जाया जाए, फिर पानीपत से चेंज कर ले गए। लो भाई, और ये जस्ट अभी हम पानीपत पहुँच रहे हैं, और जो हमारी बस है भाई, पहले वो पानीपत के न्यू बस स्टैंड पे जाएगी, इसके बाद हमारी बस जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से जाएगी। और भाई एक और बात बताता हूँ, जो भी बस पानीपत से स्टार्ट होती है कहीं के लिए भी, चाहे वो अलवर है या हरिद्वार है या फिर आपका हिसार सिरसा के लिए जो भी बस होगी, वो भाई जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से ही बन के चलेगी। और जो जैसे जो हिसार वाली बस है वो भाई नए बस स्टैंड पे नहीं जाती, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको उसके लिए पुराने बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। और फिर यहीं से ये असंध रोड होते हुए सीधा जींद और हिसार की तरफ निकल जाएगी। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। और भाई एक बात और है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल को सपोर्ट भी करो। अगर आपने अब तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी करो। और आपको भी अगर कोई जर्नी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लो भाई, और ये अभी हम पहुंच गए भाई पानीपत के न्यू बस स्टैंड पे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपको पानीपत से दिल्ली की साइड जाना है या करनाल की साइड जाना है या चंडीगढ़, तो भाई जो भी बस है वो पुराने बस स्टैंड नीचे से नहीं जाएगी, अब सारी बसें न्यू बस स्टैंड ऊपर से जाएगी। हाँ, लेकिन जो पानीपत बस से बन के चलेगी जो भी बस वो पानीपत के पुराने बस स्टैंड से जाएगी। और ये अभी हम पहुंच गए भाई पानीपत के पुराने बस स्टैंड पे, और हमें यहाँ से ही हिसार सिरसा वाली बस मिलेगी। और वैसे भी अगर आपको पिछली मेरी वीडियो देखनी है हरिद्वार से पानीपत की जर्नी, तो आप वो मेरे पीछे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हेलो भाई, बस स्टैंड पानीपत। लो भाई, और टाइम हो गया भाई 3:30, और पानीपत से हमें हिसार जाने वाली बस मिल गई है, और बस हमारी बस यहाँ पे चलने के लिए रेडी है। और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं भाई फतेहबाद डिपो की बस, ये भाई वही हरिद्वार सिरसा वाली बस है
जो कि 11:40 के आसपास या 11:50 पे चलती है हरिद्वार से सिरसा के लिए, और चाहता तो मैं इसमें भी आ सकता था लेकिन ये 1 से 1.5 घंटे बाद थी, तो मैंने सोचा चलो भाई पानीपत हो गई जाए जाए, लेकिन बात बराबर ही पड़ी। लेकिन भाई ये जो बस है ये पुराने बस स्टैंड पे नहीं जाती जो पीछे से आ रही है, ये सीधा नए बस स्टैंड से सीधा लाल बत्ती से लेफ्ट होके जींद और हिसार की तरफ मुड़ जाएगी। और ये अभी हम आ गए भाई पानीपत सिटी से बाहर आ गए हैं, और जो भाई पानीपत से हिसार का जो डिस्टेंस है वो है भाई लगभग 145 से 50 किलोमीटर के आसपास वाया जींद होते हुए, और जो हमें किराया पड़ा है वो पड़ा है भाई 180 या 85 रुपये था। लो भाई, और ये अभी हम पहुंच गए हैं पानीपत के थर्मल प्लांट पे, और जो आज का हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है भाई मतलोडा, सफीदो, जींद, नारनौंद, हासी और फिर हिसार। Yeah.
भाइयों से एक और मैंने सजेशन लेनी थी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी वो तीन वाली सीट पे बैठा हूँ, मिडल वाली पे, वहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जब हम हरिद्वार से पानीपत वाले आए थे तो मैं कंडक्टर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे था। तो आपको कौन सा व्यू ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये वाला या वो वाला? तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि जो आगे वाली फ्यूचर वाली वीडियो है मैं ध्यान दे सकूँ कि किस पे ज़्यादा अच्छा व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को। और ये अभी हम पहुंच गए अभी मतलोडा, एक ये छोटा सा टाउन है जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लो भाई, और ये अभी हम पहुंच गए भाई सफीदो। वैसे भाई जो मेरा गांव है हाट, वो वैसे सफीदो में ही पड़ता है, यहाँ से हार्डली 7 से 8 किलोमीटर है। और जो मेरा होम टाउन है जहाँ पे वैसे हम रहते हैं वो हांसी सारी है। और भाई हमारी बस वैसे तो यहाँ से लेफ्ट होके बस स्टैंड जाती, लेकिन वहाँ पे कोई रोड वगैरह का काम चल रहा है, तो इसलिए हमारी बस आज बस स्टैंड नहीं जा रही, सीधा अभी यहाँ से बाईपास होते हुए हम अपना जींद की तरफ निकल जाएंगे। और जो भाई ये सीधा रास्ता है, ये तो आपका भाई असंत और करनाल की तरफ निकल जाता है, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट होके अपना जींद और हिसार की तरफ निकल जाएंगे।
रही है, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बूढ़ा खेड़ा विलेज को, काफी बड़ा गांव है। राहुल भी तो मैंने टोक दिया ना, मंगाई से ना छोड़ते लो भाई, और करेक्ट 5 बजे हम जींद के न्यू बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। और मैं यही बात कर रहा था, जो भी सुपरफास्ट बसेज है वो हार्डली 1.5 घंटा ही लेती है, लेकिन कोई जो लोकल या नॉर्मल बसेज है वो 2.25 घंटे ले लेती है पानीपत से जींद तक के। और जो जींद है भाई बिल्कुल ऐसे मिडल में है हिसार और पानीपत के बिल्कुल। और जींद में भाई हमारी बस को काउंटर पे लगाया जा रहा है, 5 मिनट का स्टॉप है हमारा यहाँ पे। लो भाई, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम जींद से निकल रहे हैं। और जो जींद से हिसार का डिस्टेंस है वो 70-75 किलोमीटर के आसपास है, बिल्कुल मिडल में है। और भाई जो हमारी बस का स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया था, दोनों मेरे होम टाउन से थे और पहले से ही नॉन थे दोनों भाई।
लो भाई, अभी तो चल रहे थे हम नरवाना और रोहतक वाले मेन हाईवे पे, क्योंकि जो जींद का न्यू बस स्टैंड है वो उसी रोड के ऊपर है। अब उससे हम नीचे उतर के आ गए हैं, और जो भाई यहाँ से ये जो ये राइट वाला रास्ता है ये भाई कैथल और करनाल की तरफ चला जाता है, और यहाँ से हम लेफ्ट होके अपना जींद से सीधा अपना हासी और हिसार की तरफ निकल जाएंगे। और जो ये सीधा रास्ता है ये नरवाना, संगरूर, पातड़ा, पटियाला और लुधियाना की तरफ निकल जाता है। अभी हम पहुंच गए भाई जींद के पटियाला चौक पे, क्योंकि हमारी बस बाईपास आती है तो पूरे जींद को हमने अंदर से नहीं क्रॉस किया, हम बाईपास आए हैं। और जो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट पिकअप पॉइंट है ये पटियाला चौक ही है। भाई और ये हम पहुंच गए भाई नारनौंद के बस स्टैंड पे, और यहाँ पे कोई ज़्यादा सवारियाँ वगैरह मिलती नहीं है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नारनौंद सिटी से बाहर है। जो भी मेन सवारी है वो नारनौंद के पीछे पुराने बस स्टैंड से ही मिलती है।
लो भाई, और ये हम हांसी बाईपास पे पहुंच गए हैं, और जो ये मेन हाईवे देख रही है भाई, सिरसा दिल्ली वाला मेन हाईवे, यहाँ से लेफ्ट होके आप रोहतक और दिल्ली निकल जाओगे, और राइट होके हिसार, फतेहाबाद और सिरसा की तरफ। और लेकिन हमें जाना तो हमें भी हिसार है, लेकिन हमारी बस बस स्टैंड पे जाती है, तो इसलिए हांसी के बस स्टैंड पे जाना है, तो इसलिए हम सिटी के अंदर से जाएंगे। आयो आ गया आ गया। और ये भाई हम पहुंच गए हांसी के काली देवी चौक के ऊपर, और जो ये लेफ्ट वाला रास्ता है ये भाई आपका भिवानी नारनौल और जयपुर की तरफ निकल जाता है, और हम ये यहाँ से सीधा हांसी के बस स्टैंड की तरफ चले जाएंगे। और टाइम हो गया भाई 6:15, और हम पहुंच गए भाई हांसी के बस स्टैंड पे, और जो यहाँ से हिसार है वो हार्डली 25-30 किलोमीटर है, और आधा घंटा ही लगता है। या बस बस अभी साथी साथी और लो भाई अभी हम पहुंच गए हिसार कैंट पे, और ये अभी हम हिसार कैंट को ही क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से भाई जो हिसार है वो हार्डली 10-12 किलोमीटर ही रह गया है, 10 से 12 मिनट में हम हिसार के बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। Thank you.
लो भाई करेक्ट 7:45 हम हिसार पहुंच गए हैं और पानीपत से हिसार हमारी बस ने भाई 3.25 घंटे के आसपास लिए भाई, बहुत सुपर फास्ट आई है वरना अमूमन बसें 4.25 घंटे ले लेती है। और भाई तुम्हारे भाई का भी जो सफ़र होता है यही सीरीज ये होती है ख़त्म। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे तुम्हारे भाई ने 30 घंटे नॉन स्टॉप सफ़र किया है और 950 किलोमीटर। वो आपको मैं कल पूरी जानकारी दूंगा कि किस किस रूट से हम गए और आए, भाई बुरी हालत हो गई थी। तो आप भी सोचते हो गए कि ईजी काम है भाई, बहुत मुश्किल है। चलो भाई आपको मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद जय हरियाणा।